दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर हमला क्या वाकई कोई साजिश है? कन्हैया कुमार क्या इतने मजबूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बताए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाकई उनसे डर चुकी है? नमस्कार, स्पिन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नासपिन खान। 25 मई, छठा चरण और दिल्ली में मतदान। मतदान से पहले कन्हैया कुमार दिल्ली में अपनी मौजूदगी पेश कर रहे हैं, चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कन्हैया कुमार रैलियां कर रहे हैं और समर्थन उनको कौन देता हुआ नजर आ रहा है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के समर्थन से लगातार दिल्ली में हर इलाकों में पहुंच रहे हैं कन्हैया कुमार और जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोज तिवारी को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि जब कन्हैया कुमार यहां पर जनसंपर्क करते हुए यानी कि रैली करते हुए नजर आ रहे थे, उस दौरान यहां पर कन्हैया कुमार पर एक बड़ा हमला होता हुआ नजर आता है। आपको बता दें जो हमला हुआ है वो न्यू उस्मानपुर में हुआ है, जहां आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ वो पहुंच रहे थे। उस दौरान वो यहां पर एक कार्यक्रम को आयोजित करना चाह रहे थे। उस दौरान कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा था और यहां पर कन्हैया कुमार पर हमला तब किया जाता है जब कुछ अज्ञात लोग आते हैं, कुछ अज्ञात युवक आते हैं कन्हैया कुमार को माला पहनाने के लिए यानी कि सम्मान देने के लिए। लेकिन सम्मान के चलते वो यहाँ पर कन्हैया कुमार पर थप्पड़ बरसाने लगते हैं, जिसके बाद माहौल गर्मा जाता है, कन्हैया कुमार पर हमला हो जाता है। लेकिन कन्हैया कुमार को इतनी चोटें नहीं आई, लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में कन्हैया कुमार के समर्थन में बयान उठते हुए नजर आ रहे हैं और ये बयान दिखाता है कि कन्हैया कुमार अकेले नहीं है। ऐसे में बिहार में पूर्णिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पप्पू यादव ने कन्हैया कुमार के हक में एक ट्वीट किया है। क्या कुछ पप्पू यादव इस ट्वीट में कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। कन्हैया कुमार जी पर दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान हमला कर बीजेपी ने अपनी कब्र खोद ली है, ये अत्यंत दुखद और शर्मनाक है। दिल्ली की महान जनता सातों सीटों पर अब बीजेपी की जमानत जब्त कर जोरदार जवाब देगी। ट्वीट के माध्यम से पप्पू यादव ने कन्हैया कुमार की जीत को दर्शाया है। उनका दावा है कि दिल्ली में कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को हराएंगे और विजय का तिलक लगाएंगे। पप्पू यादव ने कहा है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और वोटों के जरिए दिया जाएगा। क्या वाकई कन्हैया कुमार जीत पाएंगे? क्या लगता है आपको कन्हैया कुमार पर हुए हमले पर क्या कोई वाकई साजिश है या फिर नहीं? क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें स्पिन 9 न्यूज। धन्यवाद।